हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो यार आज एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार शर्म करो तुम लोग। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग फालतू यूट्यूबर्स को मिलियंस में सब्सक्राइबर्स दिलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक चोर यूट्यूबर है दीदी, उसे यार आप लोगों ने 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँचाने वाले हो, और द वायरल फीवर जो कि अच्छे कंटेंट देता है, और बदले में आप लोगों से क्या बोल रहा था, सिर्फ 10 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो और वो लोग फिनाले एपिसोड रिलीज़ कर देंगे। लेकिन तुम लोग उसे वो भी नहीं हुआ और थक हार के बेचारे 5 तारीख के एपिसोड को 8 तारीख को रिलीज़ करें। यार कुछ तो शर्म करो। और हाँ, जिसने एक्सपीरियंस के एपिसोड 5 में डिसलाइक किया है, उन लोगों के लिए तो इतना ही बोलूँगा यार भाई लानत है तुम लोग पे। कहाँ से आते हो, कौन हो तुम लोग, को क्या देखना है? मतलब इंडिया की वन ऑफ दी बेस्ट सीरीज़ जो आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करे, आपको बहुत कुछ सिखा के जाए, बदले में उसको डिसलाइक कर रहे हो। अबे तुम जैसे थर्ड क्लास लोग आते क्यों हो? और तुम लोग यूट्यूब पे कलंक है भाई, कलंक है, सीरियस। अच्छे चीज़ों को भी डिसलाइक करो, अबे घू ऑडियंस हो गया। हम लोग बात करेंगे TVF एस्पिरेंट्स एपिसोड 5 यानी कि सीजन फिनाले के बारे में, मुझे देखकर कैसा लगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आंखों में आंसू थे, दिल में खुशी थी, लेकिन एक चीज़ का अफसोस था, अब नेक्स्ट वीक हमें एस्पिरेंट्स देखने को नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे दूर जा रही हो। हमें एक आदत सी हो गई थी कि अब इनकी लाइफ में क्या होगा, अब अभिलाष के साथ क्या होगा, संदीप भैया क्या करेंगे, SK के साथ क्या होगा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कोई बात नहीं, एंड में सब कुछ अच्छा हो गया, ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन खुशी के आंसू रुक नहीं रहते। खैर उसके अलावा एक चीज़ जो एक्सपीरियंस की बहुत अच्छी लगी कि सपनों के पीछे तो इंसान भागता है, लेकिन भागते भागते कहीं ना कहीं वो अपनों को पीछे छोड़ देता है, जैसे कि अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड्स। और जब हम लोग उस सारी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं तो कहने को तो हमारे पास सब कुछ होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी लाइफ की खुशी होते हैं, कहीं ना कहीं वही हमारे साथ नहीं होते। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा मेहनत, जो इंसान मेहनत करेगा उसको एक दिन उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और ये चीज़ देखने के बाद जितने भी जो उम्मीदवार है जो UPSC के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हुई होगी इसके फिनाले को देखकर। और SK, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई दोस्त होता है, लेकिन जो SK है, यानी कि SK ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में बहुत ही कम मिलेंगे। और अगर आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस सीखो, उनकी अहमियत को समझो, क्योंकि ये ऐसे दोस्त हैं जो आपको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बदले में ये आपसे सिर्फ आपका साथ, आपकी दोस्ती चाहते हैं। इनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, बस इनको आपके साथ से मतलब है। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे कि वो लोग SK जैसे दोस्त को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन SK की एक चीज़ जो मुझे शो में बहुत अच्छी लगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अभिलाष जिस तरीके से गले लगाया है, सब कुछ भुला के, यार ये बताता है कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। संदीप भैया के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि वो अभिलाष के लिए किसी एंजल से कम नहीं थे। लेकिन इस शो के बाद अब जितने भी तमाम व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस देखा है, संदीप भैया अब उन सारे लोगों के लिए एंजल बन चुके हैं, जिन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखा के गई है जो लाइफ टाइम याद रहेगी। और संदीप भैया के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार बहुत सारे कैरेक्टर्स आकर चले गए, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो लोगों के दिल में बस जाते हैं, और संदीप भैया उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है। और जिस एक्टर ने, सनी हिंदुजा, जिसने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को निभाया है, हैट्स ऑफ भाई। जो इमोशन वे में, जो दिल से आपने इस कैरेक्टर को निभाया ना, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। और नवीन कस्तूरिया, जिसने यहाँ पर अभिलाष का रोल प्ले किया है, कमाल के एक्टर हो यार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और उसके अलावा और बाकी जितनी भी एक्टर्स हैं, चाहे वो गुरी का कैरेक्टर प्ले करने वाले हो या SK के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हो, सब लोगों ने जो जान लगाई है और जो पूरी टीम का एफर्ट्स था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, ऐसी चीज़ें जो आज की तारीख में बहुत कम ही देखने को मिलती है, वो हमने एक्सपीरियंस में फील किया। और मैं चाहता हूँ कि इसका Season 2 डेफिनेटली हम जैसे व्यूवर्स को देखने को मिले, जो दिल से चाहते हैं एक्सपीरियंस Season 2। और शो के डायलॉग्स के लिए तो इतना ही बोलूँगा कि जो इसके डायलॉग राइटर है, इतना डीप और इतने मीनिंगफुल डायलॉग्स कहाँ से लाते हो यार, जो एकदम दिल को एकदम खंजर कर दे। और इसके BGM के लिए कितनी बार स्टैंडिंग ओवेशन दे, समझ में नहीं आता भाई। और अगर आप लोग ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा और आप लोग चाहते हो एक्सपीरियंस का Season 2, तो यार ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ, ताकि जो मेकर्स हैं उन लोगों तक ये बात पहुँचे और जल्द से जल्द हमको Aspirants 2 देखने को मिले, कुछ नए उम्मीदवार देखने को मिले, उनके कुछ बनते बिगड़ते, उनकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बताओ जो हमें और भी देखना है। और सीरियसली यार, शो ख़त्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं उम्मीद है दिल में कि हमें Aspirants शो वापस से देखने को मिलेगा। यार मज़ा आ गया,
आज का दिन बन गया। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। और हाँ, अगर अब तक अगर आप उन बेशरम लोगों में से हो जिन्होंने एस्पिरेंट्स नहीं देखी है, तो यार जाओ देखो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।